अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुर्सा जी। आज हम आपको PPR का केस, पेस्ट डेस्पटाइटिस रूमेनाइटिस का केस एलेबोरेट करने जा रहे हैं। यह हमारे पास बक है जिसकी एज 1 ईयर एंड 1 मंथ है, ठीक है। PPR के जो कॉमन साइन है जिनकी वजह से हम डायग्नोस कर पाते हैं कि आया कि ये PPR है या नहीं है, आइए मैं आपको कुछ साइंस एलेबोरेट करवाता हूँ। नंबर 1 साइन, आई लैक्रिमेशन, ठीक है। लियन इन द ओरल कैविटी, नेक्रोटिक लियन इन द ओरल कैविटी। नंबर 3, सीवियर डायरिया। नंबर 4 साइन, लेबर रेस्पिरेशन, जिसको डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टेथोस्कोप। नंबर 4 साइन, डाउन करेंगे, हेड छोड़ेंगे तो ये अपना हेड डाउन कर लेगा। बकरे को कफिंग है और इस बकरे को लेबर रेस्पिरेशन के साथ कफिंग है और ये अपना हेड डाउन कर लेता है। टेम्परेचर इसका 104.4 फारेनहाइट है। इसको डायग्नोस करने के लिए ये सब क्लिनिकल साइंस थे और इसकी हिस्ट्री से हमें पता चला कि इन लोगों ने इसकी PPR की वैक्सीन करवाई तो मोस्ट प्रोबेबली ये PPR हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम इसको स्पॉटेड ट्रीटमेंट देंगे जिसके अंदर हम इसको इंजेक्शन मिलोक्सिकैम लगाएंगे 1 ml इसके बॉडी वेट के लिहाज से। एंटीबायोटिक इसको हम देंगे कम्बिनेशन जेंटामाइसिन और टाइलोसिन, जो कि ब्रांड नेम आ रहा है टाइजन के नाम से। उसके अलावा इसको हम ब्रोंको डायलेटर देंगे अमानोफाइलिन, जो कि इसकी ब्रोंकियल्स को डायलेट करेगा और इसकी रेस्पिरेशन लेने में इसको ईजी होगा। ब्रोंको डायलेटर इसको 3 ml हम IV इन्फ्यूज़ करेंगे। साथ हम इसको सेल्फीरोल देंगे जिसके अंदर सेलेनियम और विटामिन ई है, ये इसकी इम्यूनिटी इन्हांसमेंट के लिए है। विटामिन ई जो होता है वो एपिथेलियल की रीजनरेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। और इसके अलावा साथ हम इसको सोमोजेल देंगे ट्यूब, ताकि इसके जो माउथ के लियंस हैं वो रिकवर हो सके। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक माई चैनल एनिमल्स नॉलेज ऑन यूट्यूब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।